केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 3.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 40% तक ला सकती है। सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि 2 दशक से अधिक समय में यह देश का सबसे बड़ा निजीकरण हो सकता है। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019 से 2020 के लिए बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार को CPSI में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51% से नीचे लाने पर विचार करेगी। इस पर मामला दर मामला विचार होगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार ने कुछ CPSI में 51% तक हिस्सेदारी रखने की नीति में संशोधन करने का फैसला किया है। इनमें सरकारी संस्था भी शामिल है। इस योजना से सरकारी कंपनियों में अधिक से अधिक निजी निवेश होगा। साथ ही इस प्रकार के वार्षिक विनिवेश राजस्व को लक्षित किया जाएगा, जो राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 40.92 अरब डॉलर की राशि जुटा चुकी है। यह राशि UPA सरकार की ओर से 2009 से 2014 के बीच किए गए 14.52 अरब डॉलर के विनिवेश से करीब 3 गुनी अधिक है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।